हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद पुनीता। और कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैंने जो है सुबह की सारी क्लीनिंग कर ली है, जो झाड़ू पोछा ये सारे काम मैंने कर लिए हैं। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने आज नाश्ते के लिए घुघरी बनाई है, काले चने की जो घुघरी होती है हलवाई स्टाइल, मैंने वो बनाई है। वीडियो लंबा हो जाता इसलिए मैंने घुघरी की रेसिपी शेयर नहीं की है। और अभी मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ क्योंकि आज मौसम सुबह से बहुत अच्छा है। तो जब मौसम अच्छा होता है तो कुछ चटपटा और तला भुना खाने को मन करता है। तो मैंने आज पूड़ियाँ और काले चने की घुघरी आलू डाल के मैं आज नाश्ते में वो बनाई हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि बाहर कैसा मौसम है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अंधेरा हो गया है और आज बारिश बरस रहा है, मौसम बहुत ठंडा हो गया। ये देखिए देखिए, पूरा टाइल्स पे पानी आ गया। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए कितना बढ़िया मौसम हुआ है, पूरा पानी बरस रहा है। आज थोड़ा सा राहत मिल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए पानी आ रहा है। पावदाने डालो छवि, वहाँ से पावदाने डालो, गीला हो रहा, उठाओ उसको, पूरा उठा लो। ये देखिए पूरा पानी, पर आज बहुत राहत मिल गई है, बहुत की कम से कम गर्मी से राहत तो मिली। और ये देखिए, ये रोशनी कैमरे में कुछ ज़्यादा दिख रही है पर पूरा अंधेरा हो गया है। ये तो बच्चे नहा कर आ गए हैं और मैं उन्हें नाश्ता दे देती हूँ। और रुपेश अपना लेके चला गया है, ये छवि लेके गई अपना, और मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पुनीता, और बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, मैं वही देख रही हूँ। आज मौसम इतना अच्छा हो गया था, इतना अच्छा मौसम हो गया था कि बहुत ठंडा हो गया था। आज सुबह से ही पानी बरस रहा है और जब बादल घिरा ना तो पूरा अंधेरा हो गया, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि पूरा रात हो गया है। और मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कब पानी बरसेगा, थोड़ा मौसम में राहत होगा, थोड़ा हमें भी राहत मिलेगा। तो इसलिए आज मैंने देखी ये वाली साड़ी पहन ली है। मौसम ठंडा हो गया तो मैंने सोचा मैं आज साड़ी पहन लेती हूँ। मैं अभी नहा चुकी हूँ, मैंने बाल, आज संडे था तो मैंने आज बाल धुल लिया है। और मैं बच्चों को जो नाश्ता करा चुकी हूँ, बस मुझे लंच बनाना है। अभी मैं खुद जाऊँगी, खुद मैं पानी और चाय पीने के बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। और आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ बारिश की वजह से कि आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग हो रही आ रही थी कि बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो गया, कहीं भी गर्मी अब बिल्कुल है ही नहीं। अब बच्चे भी बैठ के वहाँ पढ़ रहे हैं, वो मुझे ही देख रहे हैं। तो मैं अभी अपने बाल को कॉम्ब कर लेती हूँ, फिर किचन में जाऊँगी और अभी मैं बाल को खोल के झाड़ लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंडीशनर लगाया है, बाल कितना स्ट्रेट लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है बाल। ये देखिए, मुझे ऐसे ही बाल पसंद है, बिल्कुल स्ट्रेट, पर मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है, वो कर्ली हैं। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार लग ऐसा हो रहा है कि मैं बालों पे ही अपने हाथ फेरती रहूँ, पर जब ये सूखेंगे तो फिर ही वो ऐसे ही हो जाएंगे, बिल्कुल कर्ली। और मैं तैयार हो गई हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिंदूर लगा लिया है। सिंदूर लगाने के बाद फेस बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जिसे जिसे अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और
मैंने हेयर बैंड यहाँ पे रखा था। और अभी मैं जाती हूँ किचन में। मैं पूरी और रोटी तो बना ली थी, पर मुझे बस सब्जी बनानी थी, वो चने की दाल में बनाऊँगी आज मसाले वाली। और मैं नहाने से पहले रोटी बनानी हो या पराठा या पूरी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पूरा जो शरीर है वो पूरा पसीने से पूरा भीग जाता है। तो मैं इसीलिए सुबह ही, मैं सुबह उठती हूँ तो क्लीनिंग करने के बाद मैं पहले ये सारे देखिए बाल टूटे हुए हैं, मैं उन्हें समेट रही हूँ। बहुत बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, ये देखिए ये बहुत बाल मेरे झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही टूट रहे हैं। तो मैं रोटी पहले ही बना लेती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। रोटी बनाने के नाम पे तो बिल्कुल किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, पर बनाना है तो मैं इसीलिए नहाने से पहले ही रोटी बना लेती हूँ कि मुझे जब मैं नहा के आऊँ तो बस हल्के हल्के काम रह जाए। और बस मैं सिर्फ अब सब्जी और जो मतलब दाल जो बनाऊँगी चने की मसाले वाली वो बनानी है, और चावल बनाना है। तो उसमें उतनी गर्मी नहीं लगती है जितना रोटी बनाने में लगता है। तो मैं रोटी बना चुकी हूँ और पूरी, और बस मैं चलती हूँ किचन में। अभी मैं चाय पी लूँगी, पानी पी लूँगी, फिर मैं सब्जी बनाऊँगी लंच की। तो अब चलते हैं किचन में। किचन में आ जाती हूँ और अपने लिए चाय चढ़ा देती हूँ। और रुपेश आ गया, वो पढ़ाई कर रहा था, नाश्ता होने के बाद वो पढ़ने के लिए बैठ गया था, तो मैं उससे ही कुछ पूछ रही थी। और चाय बन गई है और ये है आज का मेरा नाश्ता। और पहले मैं आप सभी को नाश्ता करा देती हूँ, तो ये आप घुघरी खा लीजिए और चाय पी लीजिए। और फिर मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया है हस्बैंड के साथ। तो फ्रेंड्स हम दोनों बैठ के इधर उधर की बातें ही कर रहे थे, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे। और बस ऐसी ही कुछ बातें बच्चों को लेके, ऑनलाइन क्लास के बारे में लेके, कोरोना के बारे में लेके, यही सब बातें हो रही थी। और अभी मैं किचन में चली जाती हूँ लंच बनाने। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे और मैंने इसमें तेज़पत्ता और एक चम्मच जीरा मैंने डाला है, साबुत जीरा। ये जब भुन जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को भी मैं भुनने तक चलाती रहूँगी, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं इसे भून लेती हूँ। और रुपेश अपना लेसन लर्न करके वो मुझे बार बार किचन में आके सुना रहा था कि मम्मी आप मेरा सुन लीजिए, मुझे लर्न हो गया है या नहीं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए। और जो प्याज था वो प्याज भुन गया था, तो मैंने उसमें मसाले जो मैंने बनाए थे टमाटर लहसुन हरी मिर्च और प्याज का, वो मैं डाल देती हूँ और उसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। और जब तक वो तेल ना छोड़ दे तब तक मैं उसे भूनती रहूँगी। और सिंक में भी नाश्ते के और काफ़ी बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मसाले जब तक भून रहे हैं तब तक मैं बर्तन ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब सिंक खाली रहता है तो हम लोग का भी मन लगता है काम में, और सिंक अगर फुल रहता है तो ये होता है कि बहुत बेचैनी होती है कि अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो मसाले जब तक भून रहे थे तब तक मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ अपना। और मैं ऐसा ही करती हूँ, सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ और जो सब्ज़ी जब तक पकती है तब तक मैं थोड़े थोड़े बर्तन धुलती रहती हूँ, तो सिंक हमेशा खाली ही रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है किचन। और मैंने अभी सारे बर्तन जो थे उन्हें वॉश कर लिया है और सेल्फ़ को मैं वाइप कर दूंगी। और जो टाइल्स है, टाइल्स जो लगी है मैं उसे भी वाइप कर देती हूँ कि पानी की जो बूंदें रहती हैं वो निशान छोड़ जाती हैं, इसलिए मैं उसे भी वाइप कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स मसाला जो है वो भुन गया है। अब मैं इसमें, मैंने जो चना बॉयल किया था चने दाल, वो चने दाल मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं कुकर में बड़े चम्मच के हिसाब से 2 चम्मच या 3 चम्मच मैं छोड़ लेती हूँ, क्योंकि जो चने का दाल मसाला वाला हम बनाते हैं वो ठीक नहीं होता है, तो मैं वो स्मैश करके इसमें डाल दूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। ये मैंने ऊपर से कस्तूरी मेथी, ये मैं गरम मसाला, और मैं लास्ट में हींग डालती हूँ। लास्ट में हींग डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो मैं सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी दाल के अंदर,
और फिर ढक के इसे छोड़ दूंगी 2-3 मिनट के लिए, ताकि मसालों की खुशबू अच्छी तरीके से दाल में जो है वो मिक्स हो जाए, जो हींग मैंने डाला है लास्ट में। तो अब मसाला दाल अच्छी तरीके से बॉयल हो गई है और ये थिक भी हो गई है जितनी मुझे चाहिए। और अब मैं इसे थोड़ी देर और चलाऊँगी, फिर मैं इसे उतार लूँगी। तो आज का लंच यही है, चने की मसाले वाली दाल, चावल, रोटी। और अब मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।